सो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल तिवारी एंड जिसमें यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों, यहाँ पर आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो दोस्तों, फाइनली वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। इसके साथ अगर आप यहाँ पर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं इस तरह कोई वीडियो अपलोड करूँ तो जो वीडियो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाए। दोस्तों, अगर बात करूँ सबसे पहले न्यूज़ के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली न्यूज़ निकल कर आती है सैमसंग की तरफ से। और दोस्तों, यहाँ पर सैमसंग अपना एक काफी अच्छा स्मार्टफोन बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला है, सैमसंग गैलेक्सी M51। और दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन है कल जर्मनी की एक वेबसाइट पर लिस्ट हो गया है, जहां पर इस स्मार्टफोन के सभी कुछ कंफर्म फीचर्स हैं वो निकल करके आ चुके हैं। अगर बात करता हूं इस स्मार्टफोन के फीचर्स वगैरह के बारे में, तो दोस्तों यहां पर आपको 6.67 इंचेस की 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में एक एमोलेड डिस्प्ले पैनल देखने के लिए मिलने वाली है। उसके साथ इस स्मार्टफोन में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G का जो प्रोसेसर है वो देखने के लिए मिल जाएगा। यानी अब सैमसंग भी अच्छे प्रोसेसर को यूज करना स्टार्ट कर रहा है अपने अपकमिंग स्मार्टफोन में। उसके साथ दोस्तों, यहां पर आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा पीछे की साइड देखने के लिए मिल जाएगा। उसके साथ दोस्तों, यहां पर इस स्मार्टफोन में आपको 7000 mAh की बैटरी और 25 वाट का जो चार्जर वो देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये जो स्मार्टफोन है Amazon पे भी इसका जो टीजर पेज है वो आ चुका है, लिस्ट हो चुका है। यानी जो स्मार्टफोन है अपने इसी फीचर्स के साथ में बहुत जल्दी इंडिया में आपको देखने के लिए मिलने वाला है। जल्दी इसकी जो लॉन्च डेट है वो यहां पर रिवील कर दी जाएगी। उसके साथ दोस्तों, कहा जा रहा है कि ये जो स्मार्टफोन होने वाला है इसकी जो प्राइस है इंडिया में वो कुछ आपको 25,000 के नीचे यहां पर देखने के लिए मिल सकती है इसके बेस वेरिएंट के लिए। अब देखते हैं यहां पर जो स्मार्टफोन है कैसा निकल कर आता है, किस फीचर्स की किस प्राइसिंग के साथ में यहां पर निकल करके आता है। उसके बाद दोस्तों, अगली न्यूज के बारे में बात करूं तो यहां पर लावा अपना एक नया स्मार्टफोन मेड इन इंडिया स्मार्ट दोस्तों अगली न्यूज के बारे में बात करूं तो दोस्तों यहां पर लावा अपना एक नया स्मार्टफोन बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च करने वाला है। और दोस्तों, यहां पर ये जो स्मार्टफोन है वो है लावा Z93। इस स्मार्टफोन के कुछ जो फीचर्स हैं वो यहां पर निकल करके आ चुके हैं। दोस्तों, इस स्मार्टफोन में आपको पीछे की साइड प्लास्टिक का ही जो बैक है वो देखने के लिए मिलने वाला है। पीछे की साइड आपको ट्रिपल रियर कैमराज यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। 16 मेगापिक्सल का मेन सेंसर आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके साथ इस स्मार्टफोन में आपको 6.52 इंचेस की एक IPS LCD HD+ डिस्प्ले नॉच डिस्प्ले डीएनए के साथ में देखने के लिए मिल जाएगी। प्रोसेसर ये लोग कौन सा यूज करने वाले हैं उसको फिलहाल अभी तक यहां पर रिवील नहीं किया गया है, जैसा ये लोग हमेशा अपने स्मार्टफोन के साथ में करते हैं। बेसिक सी बात है, यहां पर आपको कोई मीडिया टेक का ही जो वीक प्रोसेसर है वो देखने के लिए मिलेगा इस स्मार्टफोन में। उसके साथ यहां पर इस स्मार्टफोन में आपको 2 GB की रैम, 32 GB इंटरनल स्टोरेज, 4000 mAh की बैटरी, एंड्रॉइड 9 का जो सपोर्ट है वो इस स्मार्टफोन में आउट ऑफ द बॉक्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर ये जो लावा का स्मार्टफोन है बजट स्मार्टफोन ही होगा, कुछ आपको 6,000 से 7,000 रुपए के बीच में देखने के लिए मिलेगा। देखते हैं जो स्मार्टफोन है जल्दी लॉन्च होगा और जैसे ही लॉन्च होगा आपको यहाँ पर सबसे पहले इन्फॉर्म करूंगा। दोस्तों, अगली न्यूज के बारे में बात करूं तो यहाँ पर जो अगली न्यूज निकल कर आती है वो निकल कर आती है रेडमी के अपकमिंग स्मार्टफोन को लेकर के। दोस्तों, यहाँ पर रेडमी 10X, रेडमी 10X प्रो, उसके साथ दोस्तों मी 10 अल्ट्रा, रेडमी K30 अल्ट्रा, ये जो स्मार्टफोन्स हैं इनके जो मॉडल नंबर है वो यहाँ गूगल सपोर्ट डिवाइस लिस्ट पे लिस्टेड हो चुके हैं, जहां पर ये जो स्मार्टफोन है बहुत जल्दी आपको ग्लोबली सभी जगह सभी कंट्रीज में यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। अभी तक ये स्मार्टफोन आपको सिर्फ और सिर्फ चाइना में देखने के लिए मिलते थे, लेकिन अब ये स्मार्टफोन ग्लोबली भाई आएगा, तो यहाँ पर चांस है कि जो स्मार्टफोन है वो इंडिया में भी बहुत जल्दी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसकी जो टेस्टिंग है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर जो बजट 5G स्मार्टफोन है, जैसा कि आपको पता है कि आपको यहाँ पर Redmi के 10X Pro स्मार्टफोन में 5G देखने के लिए मिलता है, तो इस तरीके के जो स्मार्टफोन है सस्ते में बहुत जल्दी आपको यहाँ पर इंडिया में और इसके साथ और भी काफी सारे कंट्रीज में देखने के लिए मिलने वाले हैं। दोस्तों, अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं यहाँ पर रियलमी से। तो दोस्तों, आजकल रियलमी अपने न्यूज को लेकर के काफी हद तक यहाँ पर ट्रेंड में है, और रियलमी के यहाँ पर 4 से 5 या फिर 10 न्यूज तो एक दिन में आ ही जाती है। दोस्तों, यहां पर रियलमी के काफी सारी न्यूज निकल करके आई है। सबसे पहली और इंटरेस्टिंग न्यूज के बारे में आपसे बात करता हूं। दोस्तों, यहां पर रियलमी 7 सीरीज के स्मार्टफोन्स के कुछ जो फीचर्स हैं वो कल और यहां पर रिवील होकर के आ चुके हैं। यहां पर जो रियलमी का 7 स्मार्टफोन है इसमें आपको स्प्लैश प्रूफ डिजाइनिंग देखने के लिए मिलने वाली है। उसके साथ यहां पर आपको ग्लॉसी ग्रेडियंट फिनिशिंग के साथ में जो बैक है वो देखने के लिए मिल जाएगा। बैक तो रहेगा प्लास्टिक का ही, लेकिन ग्लॉस की जो फिनिशिंग होगी वो रियलमी 7 सीरीज में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। उसके साथ दोस्तों, यहां पर ये जो स्मार्टफोन है स्प्लैश प्रूफ का मतलब अगर स्मार्टफोन पे आपके पानी के जो छींटे वगैरह हैं अगर वो भी पड़ जाते हैं, एक्सीडेंटली अगर पड़ जाते हैं, तो उससे भी स्प्लैश प्रूफ होने के कारण कोई भी दिक्कत जल्दी आपको यहां पर देखने के लिए नहीं मिलेगी। और दोस्तों, इसके साथ कुछ दिन पहले मैंने आपको ये भी इन्फॉर्म किया था कि Realme 7 स्मार्टफोन की जो अनबॉक्सिंग वीडियो है वो यहां पर लीक हो गई है, मतलब स्मार्टफोन कंपनियां लॉन्च नहीं कर पा रही है कि उसके पहले अनबॉक्सिंग आ जा रही है। फिर से कल यहां पर कुछ प्राइस को लेकर के अपडेट आई है, जहां पर दोस्तों ये कहा जा रहा है कि जो Realme का 7 स्मार्टफोन है इसका जो बेस वेरिएंट होगा और इस स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो इंडिया में आपको
कुछ 15,999 रुपए देखने के लिए मिल जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो स्मार्टफोन है वो दो ही दिन सिर्फ और सिर्फ इस स्मार्टफोन को लॉन्च होने में बचे हैं। 3 सितंबर को जो स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है, जैसे स्मार्टफोन लॉन्च होगा सभी कुछ इसकी जो डिटेल कंफर्मेशन है वो हमारे सामने निकल करके आ जाएगी। वैसे दोस्तों आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है रियलमी 7 स्मार्टफोन की प्राइस को लेकर के, जरूर से अपना ओपिनियन मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अगली न्यूज के बारे में बात करता हूँ, यहाँ पर बात करते हैं रियलमी से। और दोस्तों यहाँ पर कुछ दिन पहले मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि जो रियलमी की नार्जो सीरीज है वो इंडिया में एक इंडिपेंडेंट ब्रांड की तरह आ सकती है। और दोस्तों कल यहाँ पर कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स निकल करके आई हैं जहां से ये कहा जा रहा है कि जो रियलमी की नार्जो सीरीज है वो अलग एक इंडिपेंडेंट ब्रांड यहाँ पर निकल करके आ रही है। और अक्टूबर तक, आने वाले अक्टूबर, इसी साल के अक्टूबर महीने से ये जो रियलमी का नार्जो सीरीज है वो एक इंडिपेंडेंट ब्रांड की तरह यहाँ पर इंडिया में काम करने लगेगा। और दोस्तों यहाँ पर इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज निकल कर आई जिसको जान करके मैं थोड़ा सा शॉक रह गया। रियलमी का नार्जो सीरीज एक इंडिपेंडेंट ब्रांड हम यहाँ पर निकाल लेकर के आ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए काम करेगी। और दोस्तों यहाँ पर रियलमी नार्जो सीरीज को नाम दिया जा रहा है रियलमी नार्जो मेड फॉर इंडिया एंड रियलमी नार्जो मेड इन इंडिया। अब यहाँ पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि रियलमी नार्जो मेड फॉर इंडिया तो हो सकता है कि इंडिया के लिए हम बना रहे हैं, लेकिन मेड इन इंडिया कैसे हो जाएगा, क्योंकि इनके जो भी स्मार्टफोन होते हैं रियलमी के जो भी स्मार्टफोन होते हैं इन स्मार्टफोन के जो कंपोनेंट होते हैं वो तो भैया आते हैं चाइना से। तो फिर यहाँ पर जो रियलमी का नार्जो सीरीज है वो मेड इन इंडिया कैसे हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन को असेंबल कर देने से मेड इन इंडिया थोड़ी ना हो जाएगा, स्मार्टफोन के बॉक्स पे लेबल लगा देने से मेड इन इंडिया। तो यहाँ पर ये सारी सिचुएशन निकल कर क्या रही है। यहाँ पर बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स का कहना है कि यहाँ पर इंडिया की करंट सिचुएशन को देखते हुए, आपको पता होगा सभी लोग आजकल क्या कह रहे हैं कि हम यहाँ पर मेड इन इंडिया स्मार्टफोन को खरीदेंगे, चाइनीज स्मार्टफोन कंपनियों का बायकॉट करना है। तो इस चीज को देखते हुए जो चाइनीज स्मार्टफोन कंपनियां हैं वो भी अलग तरीके से अब यहाँ पर चाल चल रही हैं। और बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स का कहना है कि हम यहाँ पर कुछ ऐसे ब्रांड्स को लेकर के आ रहे हैं जो कि इंडिया की इस करंट सिचुएशन को सॉल्व करेगा और यहाँ पर मेड इन इंडिया का नाम लेकर के, मेड फॉर इंडिया का नाम करके इंडिया में यहां पर काम करेगा। तो अब देखते हैं यहां पर क्या चीजें निकल कर आती हैं। दोस्तों अगली रियलमी की न्यूज के बारे में बात करते हैं, तो रियलमी के 3 नए स्मार्टफोन कल यहां पर चाइना में लॉन्च हो रहे हैं जो कि पूरे के पूरे स्मार्टफोन 5G हैं। दोस्तों यहां पर कुछ दिन पहले मैंने आपको यह भी इन्फॉर्म किया था कि रियलमी का एक काफी सस्ता स्मार्टफोन रियलमी के V3 के नाम से यहां पर बहुत जल्दी आपको चाइना में देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों यहां पर डिजिटल चैट स्टेशन, इनके जो सोर्स होते हैं वो काफी रिलायबल होते हैं, इन्होंने कल यहां पर ट्वीट करके बताया कि 3 नए रियलमी के मशीन यानी रियलमी के 3 नए स्मार्टफोन कल यहां पर चाइना में जा रहे हैं, जिनमें एक जो स्मार्टफोन होगा वो बहुत ही मतलब चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन होगा, काफी सस्ता स्मार्टफोन होगा। और दोस्तों यहां पर ये भी कहना है कि ये जो स्मार्टफोन है अफोर्डेबल मिड रेंज 5G स्मार्टफोन वो यहां पर रियलमी का V3 स्मार्टफोन है जो कि कल चाइना में आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। इसकी जो प्राइस वगैरह होगी, जो फीचर्स वगैरह होंगे वो यहां पर आपको रियलमी के V5 स्मार्टफोन से डाउनग्रेडेड देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए, अब आपका क्या कहना है यहां पर इन सभी चीजों के बारे में। वैसे जो यहां पर चाइनीज स्मार्टफोन कंपनियां इंडिपेंडेंट ब्रांड को मतलब अपने ही स्मार्टफोन के एक पार्ट को एक इंडिपेंडेंट ब्रांड बना दे रही हैं और यहां पर बोल रही हैं कि हम मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है जरूर से अपना ओपिनियन मुझे यहां पर कमेंट करके बता दीजिएगा। फाइनली दोस्तों ये था कुछ वीडियो में, आशा करता हूं छोटी जानकारी समय आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।